अब बारी है सिनेमा गुरु की और आज हम बताएंगे स्टार्स के लकी चार्म के बारे में। खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार जी सोनाक्षी सिन्हा को अपना लकी चार्म मानते हैं, इसीलिए अपनी हर फिल्म में भले वो उनकी हीरोइन नहीं होती हैं, लेकिन एक न एक गेस्ट अपीयरेंस वो जरूर करवाते हैं। बॉस में दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन सोनाक्षी जी एक गाने में नजर आई। डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर जी काजोल को अपना लकी चार्म मानते हैं, करण जौहर की हर फिल्म में काजोल जरूर होती हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वो भले ही फिल्म में नहीं थी, लेकिन एक गाने में नजर आई। सलमान खान जी अपने हाथ के ब्रेसलेट फिरोजा को अपना लकी मानते हैं, अपना लकी चार्म मानते हैं, इसीलिए वो हर फिल्म में एक ना एक दृश्य में वो ब्रेसलेट जरूर दिखाते हैं। एक्टर आर माधवन जी हैदराबाद एयरपोर्ट को अपना लकी चार्म मानते हैं और उनकी फिल्म में जब भी एयरपोर्ट का सीन होता है तो वो डायरेक्टर से दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप एयरपोर्ट का सीन हैदराबाद एयरपोर्ट पे ही शूट करें। विद्या बालन जी अपने एक ब्रेसलेट को बहुत लकी मानती हैं, फिल्म में तो नहीं पहनती हैं, लेकिन जब भी फिल्म प्रमोशन पे जाती हैं या रिलीजिंग के मौके पे जाती हैं तो वो ब्रेसलेट जरूर पहन के जाती हैं। सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन जी अपने हाथ में पहनी हुई नीलम रिंग को अपना लकी चार्म मानते हैं। उनका कहना है कि जब से उन्होंने नीलम धारण किया है उनकी जिंदगी में सिर्फ सफलताएं ही आई हैं, और यही कारण है कि उन्होंने अपने सुपुत्र अभिषेक जी को भी एक नीलम की अंगूठी पहना रखी है। दोस्तों, प्रोड्यूसर एकता कपूर जी बालाजी को अपना लकी चार्म मानती हैं और हर फिल्म की रिलीजिंग से पहले वो तिरुपति बालाजी दर्शन करने जरूर जाती हैं। उनके बैनर का भी नाम है, जो फिल्म के लिए बैनर है उसका नाम है बालाजी मोशन पिक्चर, और जो टेलीविजन के लिए है उसका नाम है बालाजी टेलीफिल्म्स। करीना कपूर जी अपने पति सैफ अली खान को अपना लकी चार्म मानती हैं। उनका कहना है कि जब से सैफ उनकी जिंदगी में आए हैं उनके करियर में और उनकी जिंदगी में चार चांद लग गए हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर मधुर भंडारकर जी गणपति बप्पा को अपना लकी चार्म मानते हैं। वो पिछले कई सालों से हर मंगलवार को गणेश जी के मंदिर सिद्धि विनायक जरूर जाते हैं और अपने को आर्टिस्टों को भी कई बार ले जाते हैं। दोस्तों, काजोल अपनी उंगली में डायमंड रिंग पहनती हैं जिसकी आकृति ओम आकार की है और वो उसे अपना लकी चार्म मानती हैं। अब बारी है पांच रापची गानों की, तो सुनिए गाना नंबर 5, 4, 3, 2 and 1, लेट्स डांस। आप लोग हमारे शो को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं और मोहब्बत की बदौलत हमने कई सारे एपिसोड पूरे कर लिए हैं और भी बहुत सारे एपिसोड पूरे करते रहेंगे, क्योंकि भैया मनोरंजन नहीं रुकना चाहिए। किसी ने कहा है घर से मस्जिद है बहुत दूर, ऐसे में क्या करें, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, हंसाना इबादत के बराबर है और ये इबादत हम करते रहेंगे, बस आपकी मोहब्बत हमारे शो के प्रति बनी रहे। आप अगर हमारे शो में किसी तरह की तब्दीली या किसी तरह का बदलाव चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए, और हाँ अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेसेस का हम इंटरव्यू दिखाएं तो वो भी हमें आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी नोट कीजिए bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे। आप हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक कर सकते हैं, अपने आइडियाज, अपने सजेशन, अपनी मोहब्बत, अपनी इच्छा आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। टाइप कीजिए Big Top 20, Big Top 20 शो का पेज आएगा, वहां पोस्ट कीजिए। हम उम्मीद करते हैं ये पोस्ट बहुत सारे आएंगे, मेल्स बहुत सारे आएंगे। आज जा रहे हैं, अगले एपिसोड में आएंगे तो और धमाका होगा, और आप मेल पे ध्यान दीजिए, मेल का खेल चलता रहे। हम चलते हैं, ध्यान रखिए अपना, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, क्योंकि यही तो शो है जहां है एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी। बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक।